शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के चलते लोग सरकारी ऑफिसेज में अपने कामकाज करने आते जाते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम और जनजागृति करने के उद्देश्य से क्रेडाई नागपुर मेट्रो के सचिव गौरव अग्रवाल के हाथों शहर के सभी सरकारी और निम सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजर का स्टैंड दिया गया है, जिसका फायदा लोग सैनिटाइजर स्टैंड से उठा रहे हैं और अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना वायरस को कैसे दूर रखा जाए या फिर हम अपनी किस प्रकार की सुरक्षा कोरोना महामारी से कर सकते हैं, इस विषय को लेकर शहर के कई सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कामकाज करने वाले लोग बखूबी के साथ कर रहे हैं। इसी क्रम में क्रेडाई के सचिव गौरव अग्रवाला इन्होंने सरकारी और निम सरकारी दफ्तरों में रोजाना किसी काम से आने जाने वालों के लिए एक सैनिटाइजर का स्टैंड दिया है। अब तक जिलाधिकारी कार्यालय, मनपा कार्यालय से लेकर शहर के अधिकांश कार्यालयों में सैनिटाइजर स्टैंड दिया है, जिसका लाभ ऑफिस में आने वाले कर्मचारी और कामकाज के लिए आने वाले लोग बखूबी के साथ कर रहे हैं। पांव के पेडल से हाथों में सैनिटाइज कर लोग अपना और अपनों का खास ध्यान रख रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं जनजागृति करने के लिए कई समाज में ऐसे कामकाज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गौरव अग्रवाल और उनके तमाम साथियों द्वारा एक ऐसी मशीन तैयार की गई है, जिसके चलते उस पर सैनिटाइज की बॉटल रखी जाती है और लोग पांव को बटन दबाते ही जो मशीन से सैनिटाइज का जो लिक्विड है वो हाथों में आता है और लोग उसको रब करके अपने हाथ को स्वच्छ और सुंदर कर रहे हैं। इस प्रकार की कई अब तक के स्टैंड इन लोगों ने कहाँ कहाँ दिए, यही जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है जिलाधिकारी कार्यालय के पास। गौरव जी, बताइए कि जिस तरह से आपने ये सैनिटाइज का जो स्टैंड दिया गया है और सैनिटाइज की जो बोतलें दी गई है, ये देने के पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? ये हम लोग जो नागपुर के बिल्डर्स हैं, क्रेडाई नागपुर मेट्रो के तहत काम करते हैं और हमारे अलग अलग बिल्डर्स ने अलग अलग सपोर्ट सिस्टम कोरोना महामारी में किया है, वैसे ही लोंडे कंस्ट्रक्शंस ने ये स्टैंड डेवलप किया और हम क्रेडाई के माध्यम से ये स्टैंड अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टैंड हमने जिलाधिकारी जी को ही लाके दिया है और कॉरपोरेशन में अभी कमिश्नर सर, एडिशनल कमिश्नर सर, ADTP, जो भी ऑफिस में जहाँ पे भीड़ रहती है, जहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों के कारण खतरा हो सकता है, जो भी बाहर से आए वो पहले सैनिटाइज कर ले फिर अंदर चले जाए और सैनिटाइजेशन में उसको हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो पैर से ही सैनिटाइज करके आगे चले जाए, ये अपना उद्देश्य था। क्योंकि हाथ लगाने से वो मशीन में फिर वो महामारी उसमें टच हो जाएगी, उसमें कैरी हो सकती है, इसलिए अपन ने उसको पैडल सिस्टम पर किया है। सर, जिस प्रकार से आपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये सब दिया है, क्या उसके बावजूद जो प्राइवेट जो ऐसी जो संस्थान होती है, क्या उन्हें भी दिया गया है? नहीं, हमारे प्राइवेट ऑफिसर्स में तो हर आदमी जो आ रहा है उसका टेम्परेचर स्कैनिंग और उनको सैनिटाइजर कंपलसरी है बिल्डिंग के नीचे ही काम करने के लिए। 8 तारीख से जब प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे उसके पहले ये सब सिस्टम फॉलो करने का कर लिया है, लेकिन हमने ये देखा कि हम गवर्नमेंट ऑफिस में भी करेंगे तो जल्दी से जल्दी ये महामारी पे अपन कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल, एक काफ़ी अच्छी सोच, काफ़ी अच्छा विचार गौरव अग्रवाल उनके तमाम टीम द्वारा, क्रेडाई द्वारा, जिनके वजह से आज ये सैनिटाइज की मशीन जिलाधिकारी को दिया गया है। साथ ही साथ शहर के जितने भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ये देने का बदस्तूर काम इनका जारी है, क्योंकि कोरोना की रोकथाम यदि करना हो तो सैनिटाइजिंग और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना ज़रूरी है। ऐसे में इस प्रकार का कामकाज करके कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए शहर का एक एक ऐसे गौरव अग्रवाल जैसे लोग आगे आए हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना की महामारी इसको दूर करना है तो हमें सजग रहना ही होगा। नागपुर के जिलाधीश कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।